नमस्कार मित्रों, सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2018-19 कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा 2019-20 होने वाली है अब अगले महीने में। तो उसके में आपका कैसा फॉर्मेट रहता है और अन्य ज़िलों के लिए भी इम्पोर्टेंट ये पेपर रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सर्जन कौन है? पहला प्रश्न क्या आया था, विश्व के प्रथम सर्जन कौन है? इसका आंसर आपको बताना था। दूसरा प्रश्न आया, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये दूसरा प्रश्न आपने देख लिया। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास किस सभ्यता में हुआ था? फिर चौथा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल लिखो। पांचवा प्रश्न जो है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम लिखना है दोस्तों आपको। फिर छठा, अणुव्रत आंदोलन क्या है? सातवां प्रश्न है मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण लिखो, क्या कारण रहा उसका। आठवां है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। नवां है, ग्राम पंचायत के कोई दो कार्य लिखिए। दसवां प्रश्न आप देख रहे हैं मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्मकाल में निम्न वायुदाब क्षेत्र क्यों बन जाता है, इसका कारण बताइए। ग्यारहवां आपके है, राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। अभी तीन तीन नंबर के आ रहे हैं, देखो। बारहवां है, ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकार बताइए। फिर तेरहवां यहाँ देखिए आप, वैदिक दर्शन में सहिष्णुता के संदेश को समझाइए। चौदहवां है, ब्रह्म समाज द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के बारे में बताइए। फिर पंद्रहवां क्वेश्चन है मित्रों, खादर व बांगर में अंतर, ये इम्पोर्टेंट रहता है वैसे सभी एग्जाम के लिए, खादर और बांगर में अंतर लिखो। फिर सोलहवां है, हरित क्रांति व श्वेत क्रांति में क्या अंतर है, स्पष्ट करो। फिर सत्रहवां प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा भूकंप का सामना किस प्रकार किया जा सकता है, कि जो भूकंप आता है उसका सामना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सत्रहवां प्रश्न आपका रहा। अठारहवां है, किन्हीं दो मौलिक अधिकारों का वर्णन करो, जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वर्णन दो का करना है। उन्नीसवां प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्य की अवधारणा का वर्णन कीजिए। फिर मित्रों बीसवां प्रश्न है, विज्ञान व चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं ये 20 तक हमने प्रश्न देखे हैं अभी तक। फिर अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, 21वां प्रश्न ले रहे हैं अब हम। 21वां प्रश्न है, संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर 22वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना व उसके प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए विस्तार से। अब ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। फिर मित्रों आपके आ गया 23वां प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता की विवेचना कीजिए। 24वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्न राज्य अंकित कीजिए। भारत के मानचित्र में आपको ये वाले दर्शन है, गोवा है, केरल है, पंजाब है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये वाले। तो ये आपका पूरा पेपर मैं वापस दिखा देता हूँ, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा का है, इम्पोर्टेंट है, जो भी अगले महीने में आपकी परीक्षाएँ होने वाली है। 9th क्लास का ये पेपर है मित्रों, पूरा का पूरा पेपर मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देख लीजिए, 13 से 19 तक, फिर ये 20वां, फिर 21वां है, 22वां है, उसके बाद 23वां और अंतिम प्रश्न 24वां। आपको किसी भी विषय का पेपर चाहिए किसी भी ज़िले का, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे क्लास 9th और 10th के सारे पेपर देख सकते हैं। पुराने पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, कई पेपरों का सॉल्यूशन भी वहाँ पर बताया गया है। तो जो भी ज़िले का आपको जिस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन पर वीडियो बना सकूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कैसे नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।